नवग्रहों में से एक शनि को कर्मफलदाता और न्याय के देवता कहा जाता है। वह जातकों को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। शनिदेव अगर किसी जातक के ऊपर प्रसन्न हैं तो उसे रंक से राजा बना देते हैं और रुष्ट होने पर जीवन तहस नहस कर देते हैं। ऐसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करने का असर 12 राशियों पर बहुत अधिक पड़ता है और सभी के जीवन पर समान रूप से इसका प्रभाव देखने मिलता है। शनि को प्रतिबद्धता का कारक माना जाता है। वह व्यक्ति को अनुशासन सिखाता है, अच्छी तरह से जीना सिखाता है। इन्हीं गुणों को पालन करके जातक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। बता दें कि शनि अपनी धीमी गति से चलने की वजह से धीमा ग्रह माना जाता है। 30 साल बाद एक राशि में दोबारा आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्मफलदाता शनि 29 जून को कुंभ राशि में ही वक्री होने वाले हैं, जहां वह वक्री अवस्था में 15 नवंबर 2024 तक रहेंगे। शनि के वक्री होने से कुछ राशि के जातकों को लाभ होगा तो कुछ को बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। उल्टी राशि होने की वजह से मेष, वृषभ और कन्या राशि वालों को बहुत सावधान रहना